नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज़। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 1.5 अरब से अधिक एक्टिव यूजर्स हैं। इनमें से कुछ के लिए कंपनी सपोर्ट बंद कर रही है। ये एक बुरी खबर आ चुकी है। तो आपको ये बताते हैं कि कौन से वो मोबाइल हैंडसेट हैं जिसमें व्हाट्सएप अब काम नहीं करेगा। तो आपको बता दें कि नोकिया ने S40, S40 सीरीज काफ़ी पहले बंद कर दी थी। अब नोकिया HMD ग्लोबल के पास है। फिलहाल ये कंपनी स्मार्ट एंड्रॉयड फोन्स बनाती है। आपको बताएं कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का सपोर्ट आज 31 दिसंबर 2018 से कुछ स्मार्टफोन्स के मॉडल्स के लिए बंद किया जा रहा है। कंपनी ने पहले ही ऐलान किया था कि वो कुछ पुराने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं देगी। तो जनाब, आज इसकी आखिरी तारीख है, यानी 31 दिसंबर 2017, यानी आज से ठीक एक साल पहले विंडोज़ 8.0, ब्लैकबेरी 10 और ब्लैकबेरी OS से व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म कर दिया गया था। अब कंपनी नोकिया S40 सीरीज़ के मोबाइल से भी व्हाट्सएप का सपोर्ट खत्म करने जा रही है। भारत में नोकिया सीरीज़ 40 के स्मार्टफोन्स काफ़ी पॉपुलर थे और नोकिया के मुताबिक कंपनी ने भारत में नोकिया S40 के करोड़ों स्मार्टफोन बेचे हुए हैं, लेकिन एंड्रॉयड के आने से इनकी बिक्री कम हो गई है। अब OS का कोई मोबाइल फ़ोन नहीं मिलता। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 2.3.7 जिंजर ब्रेड है तो आपके व्हाट्सएप को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन 2020 में इन स्मार्टफोन में भी व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। आईफोन यूज़र्स की अगर बात की जाए तो अगर आपके पास ऐसे आईफोन है जिसमें iOS 7 है तो 2020 में कंपनी सपोर्ट देना बंद कर देगी। अब क्यों इन स्मार्टफोन से बंद किया जा रहा है व्हाट्सएप, चलिए ये जान लेते हैं। व्हाट्सएप के स्टेटमेंट के मुताबिक ये फैसला इसीलिए लिया गया क्योंकि व्हाट्सएप के कुछ फीचर्स इन्हें सपोर्ट नहीं करते और ना ही इन प्लेटफॉर्म के लिए कंपनी कोई डेवलपमेंट करना चाहेगी। कंपनी ने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन व्हाट्सएप और इसके फीचर्स के हिसाब की क्षमता वाले नहीं है, इसी वजह से स्मार्टफोन्स में अब व्हाट्सएप चलना भी बंद कर दिया जाएगा। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।